आपने कुछ सोचा रानी परी, भयंकर परी के बारे में? नहीं बालवीर, हमें ये फैसला लेने में थोड़ा सा समय लगेगा। भयंकर परी को परीलोक में रहने की आज्ञा देने का फैसला कोई मामूली फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इससे परीलोक का भविष्य जुड़ा है, इसलिए फैसला मुझे सोच समझ कर लेना होगा। मैं समझता हूँ रानी परी, और मैं जानता हूँ कि आप जो भी फैसला लेंगी वो सही होगा। आप किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है रानी परी। तो फिर आप पृथ्वी लोग वापस जाइए, बच्चों को आपकी ज्यादा जरूरत है। जैसा आप कहे रानी परी। खुश रहो बालवीर। खुश रहो रानी परी। हमारा तो काम ही है पृथ्वी लोग के बच्चों की रक्षा करना। आप बिल्कुल अपने नाम की जैसी भली हो। वैसे बदलना तो इंसानों की फितरत है, मगर जब से माँ परी ने ये फितरत अपना कर मेरे साथ धोखा किया है, मुझे भी बदलना पड़ा। बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक के साथ साथ पूरे परी लोक पर भी मेरा कब्जा होगा। तुम पृथ्वी लोक के बच्चों को काटोगे, इसका रस उनके शरीर में शामिल हो जाएगा। उसके बाद वो बच्चे खेलते, टीवी देखते, खाते, बस सोएंगे। अगर मुझे बच्चों को नींद से बचाने के लिए एक विशेष सम्मान और पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इस सम्मान और पुरस्कार की आधी अद्दा भयंकर परी दी। क्या मैं भयंकर परी को उसकी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए? पृथ्वी लोक के बच्चों की रक्षा कर। पृथ्वी लोक के साथ साथ पूरे परी लोक पर भी मेरा कब्जा होगा। तो इस सम्मान और पुरस्कार की आधी अद्दा भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी। चल मानो। हाँ चल, वैसे भी मेरा यहाँ क्या काम? मानो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ चल, मैच की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मानव, मानव मजाक मत कर। मजाक नहीं मैं, सीरियसली मैच की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्स होने वाले हैं, वो मुझे पता है, लेकिन उससे पहले ऑडिशन जाने वाले हैं, और अगर तूने उसमें डांस नहीं किया तो मैं तुझे पीट दूंगी। और अगर मैंने डांस किया तो मोंटू मुझे पीट देगा। मैं करूँ तो क्या करूँ? तो कुछ मत कर। थैंक यू मैच, कितनी अच्छी है। मानो प्लीज मजाक मत कर। अब मैं जो डांस स्टेप तुझे दिखाऊं वो तू कर, ठीक है? अब देख। तो नहीं है, तू कहती तो ठीक है। हाँ हाँ, एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ, हाँ, अब एक हाथ कमर पे, और पैर क्रॉस। हाँ, अब मैं जैसा करूंगी वैसा देखना, ठीक है? हाँ, अब तू कर। कैसे डांस करेगा? कैसे स्टेप सिखा रही है? ठीक है ठीक है, दूसरा वाला। ओके, हाथ ऐसे और ये ऐसे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे मेहर, तुम इस नन्हे से छोटे से चूहे जैसे मानव से इतने कष्ट क्यों करा रही हो? ए मोंटू खबरदार, अगर तूने मानव को चूहा बोला तो। क्यों? चूहे की इंसल्ट हो जाएगी। मेहर, मुझे इस मानव पे ना बहुत दया आ रही है। वो क्या है ना, टीचर ने तो तुम्हें डॉटी में पार्ट लेने को मना किया, तो उसका गुस्सा तुम मानव पे उतार रही हो। टीचर ने मेहर को डॉटी में हिस्सा नहीं लेने दिया? क्यों? टीचर की वजह से नहीं, तेरी वजह से। तेरी वजह से मैं डॉटी में पार्ट नहीं ले पाई। और इस स्कूल के बच्चे तो क्या, टीचर भी तुझ पर भरोसा नहीं करते। डोंट वरी बॉस, हमें आप पर पूरा भरोसा है। यप, जरूर हारोगे। हारोगे? अपने हारोगे सुना?
प्रॉमिस दिया है कि मानव तुझे हरा कर डांस ऑफ द ईयर बनेगा तो बनेगा। हट, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, उल्लू बनाती है। तो निकल। रानी परी को फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अरे मैं तो कहती हूँ इन दोनों को परीलोक से बाहर निकाल देना चाहिए। इसमें सोचने की क्या बात है? हाँ गाल परी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ। नहीं नहीं, रानी परी के लिए ये फैसला लेना इतना आसान नहीं है। उन्हें अच्छाई बुराई हर बात के बारे में सोचना पड़ता है। है नहीं ये कोई शाही बगीचा कि निकल पड़े तुम सैर करने। अभी आएगी रानी परी थोड़ी देर में और निकालेगी तुम दोनों को बाहर परीलोक से। तो है नहीं मुझे भी शौक यहाँ पर रहने का। तो फिर आए हो क्यों यहाँ? बुराई करने वाले तोबा तोबा, भागो अपने भयंकर परी के साथ भयानक लोक में जैसे भागे थे पहले। आती मुझे शर्म तुम्हें अपना भाई कहते हुए। गर्व से मेरा भी सीना नहीं होता चौड़ा तुम्हें अपना भाई कहते हुए। हाँ, और मत पूछ लो इतना ज्यादा। अगर दीदी रानी परी ने परी भयंकर को यहाँ पर रहने की अनुमति, फिर कहते रहना सुबह शाम खुश रहो परी भयंकर, खुश रहो श्री श्री प्रधानमंत्री श्री श्री तोबा तोबा। मैं कहूंगा मैं तुम्हें खुश रहो। तौबा तौबा, ये क्या कर रहे हो तुम? हम यहाँ माफी मांगने आए हैं, लड़ने नहीं। और माफी हाथ जोड़कर मांगी जाती है, इस तरह से लड़के नहीं। हम यहाँ साफ दिल से आए हैं ताकि ये परीलोक हमें अपना सके। अगर हमें परीलोक में जगह ना भी मिले तो कोई बात नहीं, कम से कम हम एक अच्छी परी और तुम एक अच्छे तौबा तौबा बनकर इनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। है लगता मुझे आ नहीं रही परी भयंकर को रास हवा परीलोक की। हो गई ये पागल, बोल रही है कुछ भी। चलो माफी मांगो। माफ कर दो मुझे। अरे मुझसे नहीं उससे। तो कहा मैंने डुबा डुबा से, आपसे नहीं। खुश रहो परियों। आप सभी परियों को रानी परी ने रानी महल में बुलाया है। रोहित, केवल डांस है कैसा भी हो और एंट्री ना एकदम ढांसू होनी मांगती है। करेक्ट बॉस। अरे बॉस, आपकी अभी से ही ऐसी हालत है तो एंट्री कैसे ढांसू होगी? चुप, सोचो यार, सोचो कुछ तो, सोचो सोचो। आइडिया। क्या? अरे आपने ऐसा जमीन फाड़ के एंट्री करना। कॉमन है यार, हर अवार्ड फंक्शन में होता है। कुछ और सोचो। बॉस, मेरे पास एक अनकॉमन आइडिया है। बोल बोल बोल। आप है ना जमीन के अंदर घुस जाओ। डांस कौन करेगा? हाँ वो भी है। मोंटू की एंट्री एकदम ढांसू होनी चाहिए। कौन मोंटू? मजाक मजाक कर। ऐसी एंट्री चाहिए
सब लोग की आंखें खुली की खुली रह जाए। करेक्ट बॉस। बॉस यार ये क्या कर दिया अपन ने, इस बॉस को गिरा दिया। ये पता ही नहीं चलता कि बॉय कौन सा और बॉस कौन सा। अच्छा ठीक है छोड़। बॉस उठो। तुम लोग कुछ मत सोचो, मैं ही सोचूंगा। आइडिया। या बॉस। सुनो। क्या आइडिया है बॉस? सुनो, अब मैं उस टेबल पे जाऊंगा और उधर से ना मैं जंप मारूंगा और हवा में होते हुए जमीन पर आराम से लैंड करूंगा और ये सब देख के सब लोग होश उड़ जाएंगे। होश उड़ जाएंगे कैसे? बताता हूँ, पकड़ रस्सी। रोहित तू क्या करेगा? बॉस आपको उड़ता हुआ देखूंगा। चुप, धुआं छोड़। धुआं? धुआं छोड़ू कैसे? अरे एक्टिंग करना। अच्छा समझ गया। अबे क्या कर रहा है? बॉस धुआं छोड़ रहा हूँ। टेबल रेडी? हाँ। 1, 2, 10 आइडिया ने तो आप दोनों का ही होश उड़ा दिया। आज मैं परीलोक को संभालने का उत्तरदायित्व अपने कंधों से हटाकर आप में से किसी एक के कंधों पर रखने वाली हूं। बहुरूपी परी, रानी परी, तुम्हारी वजह से ये सिंहासन, ये रानी महल मेरा नहीं हुआ। मैं रानी परी नहीं बन पाई, लेकिन अब मैं परीलोक में आकर तुमसे ये रानी महल भी छीनूंगी और परीलोक भी तुम्हें बनाऊंगी अपना गुलाम। और जहां तक भयंकर परी और तौबा तौबा, तुम्हारा परीलोक में रहने का सवाल है तो मैंने उसके बारे में बहुत सोचा और जब भी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तो सिर्फ तुम्हारी बुराइयां नजर आई। तुमने बच्चों और परीलोक के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर दी वो दिखाई दिया। तुम्हारी वजह से सबको कितना कष्ट हुआ है वो दिखाई दिया और ये सब देखकर हमें यकीन हो गया कि तुम्हें परीलोक में रहने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। अगर मैं परीलोक में नहीं रह पाई तो मेरा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि तुमने निंदियों की बीमारी का इलाज बताकर बालवीर और बच्चों की मदद की। तुमने गलती की पर उसे सुधारा, इसलिए बालवीर तुम्हें परीलोक में लेकर आया। और मैंने हमेशा से बालवीर से सिर्फ एक ही बात कही कि अच्छाई को बढ़ावा दो और सजा से कहीं बेहतर सुधार है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच मुझ में सुधर गई हो और तुम्हारी अंदर की अच्छाई से तुम बच्चों की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें एक और मौका मिलना चाहिए।
खुश रहो रानी परी, खुश रहो रानी परी, हो बधाई परी भयंकर, अब हम रह सकते हैं परी लोक में, है ना रानी परी? अभी नहीं, तुम्हें परी लोक में रहने की आज्ञा मिल सकती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझती थी तुम उतनी बेवकूफ हो नहीं रानी परी। इतनी आसानी से तुम मुझे परीलोक में नहीं रहने दोगी, और मैं जानती हूं कि तुम इसके लिए जरूर मुझे किसी कड़ी परीक्षा से ही गुजरने के लिए कहोगी। आप जो चाहे परीक्षा ले सकती हैं, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, तुम्हें और तौबा तौबा को सत्य जल की परीक्षा देनी होगी। सत्य जल? पर रानी परी है क्या सत्य जल? वैसे क्या पीना पड़ेगा हमें उसे? नहीं, ये सत्य जल पीने के लिए नहीं है। सत्य जल हजारों सदियों से परीलोक का सबसे पवित्र और सच्चा जल है, जिसमें हाथ डालने से पता चल जाता है कि हाथ डालने वाला सच्चा है या झूठा। अगर वो सच्चा और अच्छा है तो जल का रंग नीला ही रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी छल, कपट या बुराई हो तो वो जल उसी वक्त काला हो जाएगा। अब बताओ भयंकर परी, क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? परी भयंकर, देना मत परीक्षा वरना पकड़ी जाओगी आप। चुप क्यों हो भयंकर परी? अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और साफ है तो मान लो ये शर्त। क्यों भयंकर परी, डर गए? सत्य जल में सच का बोलबाला होता है और झूठ झूठ का मुंह काला होता है। धोखा अपना मुंह तो काला ही। आप परी भयंकर, मत फंसना इनकी बातों में आकर। हाँ भयंकर परी, अगर तुम सुधर गई तो ले लो सत्य जल की परीक्षा। सोचो मत भयंकर परी, क्योंकि अगर तुम्हें परीलोक में रहना है तो तुम्हें सत्य जल की परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, वरना तुम अभी भी भयानक लोक वापस जा सकती हो। तो बताओ क्या चाहती हो तुम? परी भयंकर, निकल जाते यहां से वरना मिलने की सजा हमें बाते। बताओ भयंकर परी, क्या फैसला है तुम्हारा? मैं सत्य जल की परीक्षा मैं सत्य जल की परीक्षा For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.